Good morning everyone and welcome to CR International School online study system. How are you dear student? I hope you all are fine and you are studying well. Today we'll talk about the next part of your outcomes of the democracy. आज हम जो आपके outcomes of the democracy है उसका next part discuss करेंगे. We discussed about the introduction and few problems with the democracy yesterday. Today we'll talk about how the government is accountable, responsive and the legitimate. कि जो democratic government होती है या फिर कोई भी government जो होती है उसकी accountability क्या होती है, responsive government क्या होती है या फिर legitimate government क्या होती है, that's we are going to talk about today. Before starting this concept, let us understand कि what is accountability. कि accountability है क्या? Accountability means the action, means the government is taking any kind of action, government should take the account of it. मतलब गवर्नमेंट उस चीज की जिम्मेवारी लेगी, जो भी काम कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए काम गलत हैं या फिर सही हैं, सो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है. गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करे कि जो एक्शन लिया गया है उसकी टोटल जिम्मेवारी किसकी होती है? हमारे पास गवर्नमेंट के पास. अकाउंटेबिलिटी मीन्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क, कि जो वर्क किया जा रहा है ठीक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है. ठीक है, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन लोग बोलते हैं आपका कि सारा प्रोग्राम करना है, बट हु विल बी द अकाउंटेबल? अगर मान लो कोई भी आंसर कौन देगा? हु विल आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल? लोगों के जो आंसर उठेंगे इसके लिए उसके आंसर कौन देगा? दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मीन्स कि देखिए सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हमारे व्यूज बहुत मैटर करते हैं उस चीज को लेकर. सो जो हमारे व्यूज हैं उनको क्या रिस्पॉन्स हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, मीन्स कि क्या जो वर्क किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है. जो भी गवर्नमेंट हमारे पास होगी, जो लोगों के पीपल हैं, सिटीजन हैं, उनके व्यूज हैं, इज गवर्नमेंट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस एंड द नीड ऑफ द पीपल? तो वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी. हमारे पास लेजिटिमेट गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट Which works according to the set of the rules. मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रूल्स बने हों और वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करे. तो क्या ये सारी चीजें जो डेमोक्रेसी है उसको फॉलो करती है या नहीं करती, दैट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द पार्ट ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. आज हम सिर्फ अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव के बारे में बात करेंगे, देन लेजिटिमेट गवर्नमेंट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड. देखिए डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डेमोक्रेसी. जब पहले हम लोग बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, लोग चाहते क्या है एक्चुअली में, तो हम लोग कल भी इसी के बारे में बात कर रहे थे कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से वो क्या होती है. देखिए राइट टू चूज देयर रूलर. तो सबसे पहले हमारे पास जो डेमोक्रेसी होती है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या होती है कि डेमोक्रेसी या एक गवर्नमेंट हो जिसके अंदर लोग अपने रूलर्स को खुद चुन सकें. राइट, देन हमारे जो डेमोक्रेसी में सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए अपने रूलर्स को चूज करने की, लोगों की इच्छा होती है. अगर उनको पसंद आता है रूलर तो ठीक है, अगर वह पसंद नहीं आता है तो दे कैन चेंज इट, दे कैन चेंज इन टू द इलेक्शन सिस्टम. हमारे पास इलेक्शन सिस्टम दिया हुआ है, अगर हमें रूलर कोई पसंद आता है तो ठीक है, हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर वोटिंग करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. देन पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग. सेकेंड थिंग की कोई भी डिसीजन लिया जाए उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक डिसीजन में हम लोग पार्टिसिपेट करें. हो सकता है कि जैसे मैंने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ द पीपल होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें हम इनकैपेबल होते हैं या फिर हमारी गैदरिंग नहीं हो सकती, तो उस बेस में हमारे पास जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे डिसीजन लें. राइट, तो वो लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, ये हमारी इच्छा होती है. गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल. अब नाउ द वर्ड इज कमिंग इन द अकाउंटेबल. राइट, यानी कि गवर्नमेंट से जो सिटीजन होते हैं दे कैन क्वेरी, जो क्वेश्चन आर्स में हम पूछते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट शुड आंसर फॉर दैट. गवर्नमेंट के से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का क्या करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए. देखिए सिटीजन आर देयर, हम लोग एज अ सिटीजन है, दे विल आस्क फॉर आंसर कि गवर्नमेंट ने जो भी काम किया, जो भी स्टेप लिए, अच्छे काम नहीं हो पाए या मतलब जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया, इकोनॉमी डाउन चली गई, तो उसके लिए सिटीजन वहां पर होंगे, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे, गवर्नमेंट को उस चीज का क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है. गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल द वर्क इट इज डूइंग. जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए. लेट अस अंडरस्टैंड इट.
इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? लेकिन क्या डेमोक्रेसी एफिशिएंट है? किस चीज के अंदर? आपका अकाउंटेबिलिटी के अंदर. लेट अस अंडरस्टैंड इट. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप. मान लो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं आपका डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है उसका, और जो डिक्टेटरशिप है उसके अंदर हम एक डिसीजन लेते हैं. जो डिक्टेटरशिप होती है तो बहुत सिंपल सी बात है, वहां पे जो डिसीजन लेता है इट इज इन द हैंड ऑफ द वन पर्सन, एक आदमी के हाथ में होता है. जो भी डिसीजन लेना चाहे वो बड़े आराम से वो डिसीजन ले सकता है, राइट. अब उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, ही डिडंट थिंक इवन ऑफ इट, उसके बारे में सोचा नहीं, कुछ पता नहीं, राइट. लेकिन डिसीजन ले लिया गया, वो क्विक डिसीजन तो हो गया, लेकिन अच्छा है या बुरा है ये तो बाद में हमें पता लगेगा जब उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे. इसकी बजाय अगर हम डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी में डिसीजन लिया जाता है, इन डेमोक्रेसी डिसीजंस मेकिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशंस. अब देखिए सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसीज के अंदर डिसीजन लिया जाता है बहुत ज्यादा सोच समझ कर बातचीत करके लिया जाता है. मान लो हमें किसी चीज पे अटैक, मान लो किसी दूसरे कंट्री पे हमें अटैक करना है, तो अगर डिक्टेटरशिप होती तो क्विकली दे कैन टेक द डिसीजन. जैसे हमने जर्मनी का पढ़ा था केस, जो हिटलर था उसने विदाउट डेलिब्रेटिंग ही अटैक्ड ऑन द पोलैंड पे अटैक कर दिया, रशियन कम्युनिटीज पे अटैक कर दिया. सो इट वाज हिज हिस्टोरिकल ब्लंडर्स बोल देते हैं हमारे पास. तो कारण का उसका ये गलत डिसीजन बाद में प्रूव हो गया, राइट. अगर वो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर होता है तो हो सकता है वो इतना ज्यादा फैटल नहीं होता. तो हमारी जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन लिया जाता है काफी डेलिब्रेट, काफी सोच समझ कर, नेगोशिएट करके, उसके इन्स एंड आउट्स जानकर, सारी चीजें इसके पहलुओं पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल बैठते हैं वहां पर, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं उनको सोचते हैं, सोचने के बाद काफी नेगोशिएट किया जाता है. वार ना हो इससे कैसे बचा जाए, या फिर क्या वार ही हमारी लास्ट सॉल्यूशन रहेगा. तो इस तरह से बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको सोचा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, और फिर हमारे को डिसीजन लिया जाता है. नो डाउट हमें पता है डिसीजन लेना, हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन डिलेड होते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं वो काफी समय लग जाता है. लेकिन सिंपल सी बात है, लंबे समय के डिसीजन लिए हुए, काफी डेलिब्रेट किए डिसीजन काफी हद तक हमारे क्या होते हैं, आपके सक्सेसफुल होते हैं, और उसमें सारे पहलुओं को समझ कर जानकर फिर डिसीजन लिया जाता है. तो ये डेमोक्रेसी का वे है टू टेकिंग द डिसीजन, राइट. सो तो अब हम भी कुछ और पार्ट पढ़ेंगे हमारे पास. ट्रांसपेरेंसी इन द नेचर, अगर हमारे पास जो गवर्नमेंट होती है, सिंपल सी बात है, जो भी वर्क करती है हमारे पास, जैसे आरटीआई राइट इन्फॉर्मेशन है, वी कैन टेक द एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द लॉज, जो लॉज बनाए जा रहे हैं, किस तरह के लॉज बनाए गए, कैसे बनाए गए, तो ये सारे हमारे पास और ऑप्शन हमारे पास. तो गवर्नमेंट जो भी करती है बता के करती है. डेमोक्रेसी में जो भी होता है आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, आपको आपको राइट होता है कि आप उसके बारे में नॉलेज या आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं आपका. नेक्स्ट, फिर कुछ एस्पिरेशन हमारे पास है. रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे डेमोक्रेसी के अंदर होता है. ये हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट के अंदर फ्री एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसे है, उसके लिए क्या होगा आपका कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे पास होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट्स होते हैं, गवर्नमेंट से जो भी क्वेश्चनिंग की जाती है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, ठीक है. तो ओपन पब्लिक डिबेट्स, ओपनली पब्लिक डिबेट्स होते हैं हर एक चीज को लेकर, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, इसमें लोगों की इच्छाएं, लोगों का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर देखा जाता है. फ्री ऑफ करप्शन, क्या हमारी जो डेमोक्रेसी है कि उसमें जो करप्शन है बहुत ज्यादा, वो फ्री ऑफ करप्शन हमारे पास होनी चाहिए. तो ये कुछ एस्पिरेशन है. We are talking about the for more expression of the people. We want free and fair election. Free and fair election होता है, ओपन पब्लिक डिबेट्स होना चाहिए, सिटीजन पार्टिसिपेशन उसके अंदर होना चाहिए, और उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, हमारी इच्छाएं हैं, दैट्स आवर एस्पिरेशंस. सो इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स ऑल आवर एक्सपेक्टेशन. तो क्या गवर्नमेंट इन सब के लिए जो डेमोक्रेसी उनके अंदर क्या हमें रिस्पॉन्स करती है, क्या गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है डेमोक्रेसी के अंदर, ट्राई करती है, ओपन पब्लिक डिबेट्स होता है, सिटीजन पार्टिसिपेशन होता है, वोटिंग राइट्स हमारे पास है, और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इटसेल्फ फ्री फ्रॉम द करप्शन, राइट. ऑल्दो इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट. सो गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्स टू द डिमांड एंड द नीड ऑफ द पीपल. तो गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिव कहलाएगी, जब वो गवर्नमेंट लोगों की डिमांड जो है, लोगों की जो एस्पिरेशन है उनके अकॉर्डिंग वर्क करे. और गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो, कैसी होनी चाहिए, जो लोगों के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग क्या करे, वर्क करे. सो दिस इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव करती है, रिस्पॉन्स करती है लोगों को.
अकाउंटेबल होती है, जो एक्शन उसने किया उसके लिए अकाउंटेबल भी रहते हैं हमारे पास, हमारी जो इच्छा है उनके लिए रिस्पॉन्स करती है कि जो हम चाहते हैं जिस तरह के रूल्स हम बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट उस पर वर्क करती है। दिस इज अबाउट द टू पार्ट्स, अकाउंटेबल एंड द रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में। आई होप यू गॉट इट कि किस तरह से जो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है और किस तरह से हमारे पास लेजिटिमेट गवर्नमेंट रहती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। सी यू।